हम लोग विभाजन, पूर्णतः विभाजन, शांत दशमलव, अशांत दशमलव और बारंबारता दशमलव, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, सही है ना? तो विभाजन का ही एक और अगला रूप है, विभाजन और गुणन का एक और अगला रूप है, एक अगला स्तर है, हम लोग आज वही डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन का लेवल ये है कि यदि मैं आपसे पूछूं कि वह कौन कौन सी संख्याएं हैं जिन्हें छह पूर्णतः विभाजित कर देगा, तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि पूर्णतः विभाजन क्या होता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लो। यदि शेषफल शून्य और भागफल पूर्णांक हो तो हम कहेंगे कि यह पूर्णतः विभाजन की प्रक्रिया है, सही है? उदाहरण के लिए हल्का सा बस हम उदाहरण लेते हैं, छोटा छोटा उदाहरण लेके चले जाएंगे। उदाहरण के लिए यदि आठ में हम दो का भाग दें तो दो, सही है ना? जीरो, शेषफल शून्य, भागफल पूर्णांक, तो हम कहेंगे कि यह पूर्णतः विभाजन की प्रक्रिया है, सही बोल रहे नहीं बोल रहे हैं? अच्छा, इसी का थोड़ा सा अगला रूप, यदि हम बात करें नौ भागे दो की तो दो चौके आठ, शेषफल एक, दशमलव लगेगा जीरो और दो पांचे दस, सही है ना? यदि शेषफल शून्य हो और भागफल दशमलव में हो और शांत दशमलव हो, दशमलव में हो और शांत दशमलव, सही बोले नहीं? तो इसको हम बोलेंगे शांत दशमलव विभाजन, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इज माई पॉइंट क्लियर? तो एक ये हो गया विभाजन, और एक विभाजन है जैसे चार भाग्य एक, सॉरी तीन, तो तीन एक कम तीन, एक दशमलव लगेगा, जीरो तीन तरीके नौ, फिर एक, तो ये दशमलव, सॉरी ये शेषफल शून्य है नहीं, और यहां पे फिर आएगा, बोलो सही बोल रहे हैं? एक दशमलव शून्य नहीं है, अरे बोलो ना सही है? और भागफल शांत भी नहीं है, सही है ना? अरे बोलो सही है? तो इसको बोलेंगे अशांत दशमलव, क्या बोलेंगे? बात समझ में आ रही है? इसमें एक और चीज हमको मिली कि इसमें एक संख्या तीन की बार बार आवृत्ति हो रही है, यानी बार बार आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि यह बारंबारता दशमलव है। क्या है? तो ये अशांत दशमलव का भी उदाहरण है और बारंबारता दशमलव का भी उदाहरण है, रिकरिंग डेसिमल, क्या बोलते हैं इसे? सही है ना? अच्छा, इसका थोड़ा सा एक लेवल और हम देखेंगे। यदि हम पाई की बात करें तो ये हो जाता है कितना, 3.14159 डॉट 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 डॉट, सही है ना? ये ना ही है क्या? हाँ बताते हैं, अभी बताते हैं। तो ये ना ही शांत दशमलव है, सबसे पहला ना ही पूर्णतः विभाजन है, ना ही शांत दशमलव है, सही है ना? अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव है, और दूसरी चीज कि बारंबारता भी नहीं है, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल। इज माई पॉइंट क्लियर? तो अभी हम केवल
पूर्णतः विभाजन वाले दशमलव की बात करेंगे, पूर्णतः विभाजन वाली बात करेंगे, हमको वह सभी संख्याएं बताइए जो 6 को पूर्णतः विभाजित कर देती हैं। सही है ना, सही है ना। अब वे संख्याएं बताइए जिन्हें 6 पूर्णतः विभाजित कर देता है। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 38, 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
ना, सही है ना। तो अब परिभाषा ध्यान से सुनिए, वे समस्त संख्याएं जिन्हें छह पूर्णतः विभाजित कर दे, वे समस्त संख्याएं जिन्हें छह पूर्णतः विभाजित कर दे, उन संख्याएं वे सभी संख्याएं छह का वे सभी संख्याएं छह का गुणज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इसी का एक और नाम है अपवर्त्य। क्या कहते हैं इसे? बात समझ में आ रही है? इंग्लिश में इसका अनुवाद है मल्टीपल। क्या है? मल्टीपल, मल्टीपल। इज माई पॉइंट क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो गुणज या अपवर्त की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे समस्त संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, तो वे संख्याएं दी गई संख्या का गुणज या अपवर्त कहलाती हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बोलो सही है। इज माई पॉइंट क्लियर? कोई डाउट है? सही है ना? हाँ। तो अब हम इसके कुछ गुण देखना चाहते हैं, इसके कुछ गुण प्रॉपर्टी है ना। मैं एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं, बाकी आप लोग हमारी मदद करना बताने में। पहली प्रॉपर्टी इसकी ये है बच्चा, मैं एक प्रॉपर्टी देखो देख रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि गुणजों की संख्या अनंत है। क्या इसका सबसे लास्ट वाला गुणज, छे का सबसे लास्ट वाला गुणज 102 है? उसके बाद 108, उसके बाद 114। सही है नहीं? सही है। तो गुणजों की संख्या क्या है? तो मैं केवल एक वर्ड लिख रहा हूं कि गुणजों की संख्या, संख्या क्या है? अनंत है। अनंत में कहने का मतलब कि कभी हम ज्ञात नहीं कर सकते। सही बोले नहीं बोले? अरे बोलो सही है। एक गुण हुआ, अब आप लोग मेरी मदद करो, दूसरा गुण क्या हो सकता है? दूसरा गुण हो सकता है कि जितने भी इसके अपवर्त हैं सब में छह शामिल होते हैं। सही है। तो हम एक गुण इसका और लिख सकते हैं कि समस्त अपवर्त्य में छह क्या होगा? यानी दुनिया की किसी भी संख्या में यदि छह शामिल है गुणन के रूप में, किसके रूप में? गुणन के रूप में यदि छह शामिल है तो वह संख्या छह का अपवर्त्य होगी। अरे बोलो सही है? सही है। या परिभाषा क्या है कि छह इसे पूर्णतः विभाजित कर देगा। अब ये छह एन लिखने का कॉन्सेप्ट समझो। पहली बात कि जहां एन एक, एन एक कौन संख्या है? बोलो सही है? सही है। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। तो छह एन हम क्यों लिखे?
तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो 6n लिखने का मतलब कि 6 में 1 का गुणा, तो कितना आएगा? 6। तो वो गुणज है कि नहीं है? n का मतलब 2, n का मतलब 3, n का मतलब 4, तो देख रहे हैं n की वैल्यू, प्राकृतिक संख्या n की कोई भी वैल्यू रख लोगे आप, वो 6 का गुणज होगा। 6n लिखने के पीछे यही उद्देश्य था। बात समझ में आई? बोले सही है? सही है। इज माय पॉइंट क्लियर? यस सर। अच्छा, अगला पॉइंट कि सबसे बड़ा गुणज, सबसे बड़ा का निशान ऊपर वाला, सबसे बड़ा गुणज ज्ञात है आपको? मैं कहूं कि 6 का सबसे बड़ा गुणज ज्ञात करो, तो ज्ञात कर पाओगे? नहीं ज्ञात कर सकते। सही है ना? अच्छा, लेकिन सबसे छोटा गुणज की बात करें तब अपवर्त्य सबसे छोटा कौन होगा? संख्या स्वयं होगी। बोलो सही है? सही है। कोई डाउट है? नो, कोई डाउट है? नो, बात समझ में आ रही है ना? यस, अच्छा, तो ये मुख्य गुण है अपवर्त्य के। अपवर्त्य का सबसे पहला गुण क्या है बच्चा? कि संख्या अपने प्रत्येक अपवर्त्य को पूर्णतः विभाजित कर देती है ना? द नंबर कैन डिवाइड ईच एंड एवरी मल्टीपल ऑफ इट्स ओन। इज माई पॉइंट क्लियर? दूसरा है द नंबर ऑफ मल्टीपल इज काउंटलेस, इट कांट बी काउंट। इज माई पॉइंट क्लियर? इज माई पॉइंट क्लियर? मल्टीपल का नंबर कितने हैं यू कांट काउंट। इज माई पॉइंट क्लियर? इट इज अनकाउंटेबल। इज माई पॉइंट क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी इज द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इज माई पॉइंट क्लियर? इज माई पॉइंट क्लियर? वॉट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी? द फोर्थ प्रॉपर्टी इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज नंबर इटसेल्फ। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज नंबर इटसेल्फ। किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य वह संख्या स्वयं होती है। इज माई पॉइंट क्लियर? इज माई पॉइंट क्लियर? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम क्या करना चाहते हैं कि हम एक और संख्या लिखना चाहते हैं और उसका मल्टीपल भी निकालना चाहते हैं। तो हमने एक और संख्या लिखा 8, इसका मल्टीपल क्या हो यार बता दो तो। जैसे 6 का, देखो बच्चा 6 का मल्टीपल हम 6n लिखे थे, तो 8 का मल्टीपल क्या लिख सकते हैं? 8n। कांट वी? वी कैन नो? हाँ, सो इसका लिखेंगे हम क्या? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104। इज माई पॉइंट क्लियर? इज माई पॉइंट क्लियर? जो प्रॉपर्टी 6 की है, 6 के मल्टीपल की है, वही प्रॉपर्टी 8 के मल्टीपल की होगी या नहीं होगी? होगी। सही है ना? इज इंट इट? इट इज। इज माई पॉइंट क्लियर? ओके, तो बच्चा अब हम कंपेयर करना चाहते हैं।
कंपेयर करना चाहते हैं, 6 और 8 के मल्टीपल का कंपेयर कर, कंपेयर में तुलना करना है ना। तो हम जब देखे तो हमको बड़ा गजब का चीज सामने दिखा, बोलो सही है, सही है। और कौन कौन है बेटा, और 96. इसके बाद वाला कौन होगा बता सकते हैं, कौन वाला होगा 120, सही है ना। तो हमने देखा कि 6 और 8 के मल्टीपल में, 6 और 8 के अपवर्त्य में 24, 48, 72, 96 डॉट 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 इत्यादि या आदि, 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल हैं। सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल हैं। इज माई पॉइंट क्लियर। तो यही चीज हम लिखना चाहते हैं, तो हमने लिखा, संख्या, संख्या 6 तथा 8 के कॉमन का मतलब एक वर्ड क्या है हिंदी में, समान, या एक और वर्ड है सम या उभयनिष्ठ, या उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ समान, जो दोनों में कॉमन हो, अर्थ का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में हो, बात समझ में आ रही कि नहीं, जो चीज दोनों में हो वो समान है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। उभयनिष्ठ गुणज या अपवर्त्य, 24, 48, 72, 96, 120 डॉट 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 हैं। क्या मैं सही हूं? इज माई पॉइंट क्लियर। यस सर। तो अब इनका भी तो गुण लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो दूसरी चीज कि ध्यान देखना, 6 और 8 के सम या समान या उभयनिष्ठ गुणज अपवर्त ये हैं, तो यानी कि इसके हर एक अपवर्त्य को हम, ध्यान समझना मैं क्या लिख रहा हूं बच्चा, हर एक अपवर्त्य इसमें, इसमें यदि यही सेम गुण हम देखें तो 6 और 8 का सम और अपवर्त्य यानी कि समान या गुणज, समान गुणज या उभयनिष्ठ गुणज या उभयनिष्ठ अपवर्त्य की संख्या निश्चित है। नहीं समझ में आ रहा है प्रश्न, संख्या 6 तथा 8 के समान सम उभयनिष्ठ गुणज या अपवर्त्य की संख्या कितने होंगे? हाँ सही बोल रहे हैं ना, अरे बोलो सही है, सही। सबसे बड़ा समान सम या उभयनिष्ठ गुणज या अपवर्त्य निकाल सकते हैं? नहीं। निकाल सकते हैं नहीं। यही चीज मैं लिखने जा रहा हूं। तो अब मैं सम और अपवर्त्य को जोड़ रहा हूं, सम धन अपवर्त्य, संधि, संधि, सम धन अपवर्त्य क्या हो जाएगा? तो मैं लिख रहा हूं कि संख्या 6, संख्या 6 तथा 8, संख्या 6 तथा 8 के समापवर्त्यों, अब बार बार लिखने से अच्छा है कि एक छोटा सा नाम हमने बना दिया, अरे बोलो सही है यार, समापवर्त्यों
वर्तियों की संख्या क्या होगी? की संख्या क्या है? सही बोल रहे? नहीं बोल रहे? कोई डाउट? नेक्स्ट, संख्या छः तथा आठ के या का सबसे बड़ा समापवर्त्य ज्ञात किया जा सकता है? ज्ञात किया जा सकता है बच्चा? नहीं ज्ञात किया जा सकता, क्योंकि जब संख्या अपवर्त्यों की संख्या ही अनिश्चित है तो लास्ट वाला मिलेगा ही नहीं कभी। अरे बोलो सही है? सही है। अच्छा, संख्या छः तथा आठ के का सबसे छोटा समापवर्त्य कौन होगा? छः और आठ का सबसे छोटा समापवर्त्य वही संख्या होगी? कौन होगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे बोलो सही है? सही है। समापवर्त का मतलब नहीं समझ रहे हो क्या? अरे बोलो सही है? सही है। और सबसे छोटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा? लघुतम। लघुतम नहीं होता, लघुतम होता है। क्या होता है? लघुतम। इज माई पॉइंट क्लियर? यस। तो लघुतम समापवर्त्य, लघुतम का क्या ले लो? ल। और समापवर्त्य का? तो आप कहते हो ल स। तो संख्या छः तथा आठ का ल स कौन है? लघुतम को इंग्लिश में लीस्ट भी कहते हैं, और सम को बोलते हैं क्या इंग्लिश में? कॉमन। और अपवर्त को क्या बोलते हैं? मल्टीपल। सही बोल रहे हैं बच्चा? तो ये हो जाएगा, लीस्ट से क्या ले लोगे? और कॉमन से? और मल्टीपल से? एम। तो बोलोगे कि संख्या छः तथा आठ का LCM कौन है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इज माई पॉइंट क्लियर? अरे बोलो सही है? सही है। तो तुम यदि ये सबसे छोटा गुणज निकल गया 24, ऐसे ही तुम और बहुत गुणज निकालना चाहते हो, समापवर्त निकालना चाहते हो, अरे बोलो सही है? सही। तो हम आगे समापवर्त निकालने के लिए लिख सकते हैं क्या? 24 एन, और जहां एन एक नेचुरल नंबर है, अरे बोलो सही है? सही है। अब हम 24 गुणे एक, 24 एन का मान दो रखोगे तो एन का मान तीन। सही बोल रहे? नहीं बोल रहे? एन का मान रखते जाओ और 6 और 8 का समापवर्त्य तुमको मिलता जाएगा। अरे बोलो ना सही है? सही है। n का मान लिखते जाओ, 6 और 8 का क्या मिलता जाएगा? समापवर्त्य तुमको मिलता जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब हम यदि डेफिनेशन लिखना चाहें LCM की, तो डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? ध्यान समझो, क्या लिखेंगे? दो या अधिक संख्याओं का लस, दो या अधिक संख्याओं का लस वह सबसे छोटी संख्या है। दो या अधिक संख्याओं का लस वह सबसे छोटी संख्या है जो
दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। बोलो सही है यार, इज माई पॉइंट क्लियर और नॉट? इज माई पॉइंट क्लियर? लसा की परिभाषा समझ में आई? कोई डाउट है? हाँ अच्छा, थोड़ा ध्यान से देखो। तो हम यदि इसका एक स्ट्रक्चरल डायग्राम बनाएं, तो संख्या है 6 और कौन 8, बोलो सही है, और इसका लसा कौन हो जाएगा 24, अभी हम निकाले हैं। यदि संख्या 6 को x से और 8 को y से प्रदर्शित करें और 24 क्या है l लसा, तो परिभाषा के अनुसार 24 वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 6 और 8 पूर्णतः क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। अरे बोलो सही है, सही है। तो विभाजन की प्रक्रिया में नोटिस किए होंगे आप, तो विभाजन की प्रक्रिया में भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल होता है, सही है ना? और यदि पूर्णतः विभाजित हो तो शेषफल जीरो रहेगा। अरे बोलो ना सही है, सही है। बात समझ में आई? तो 6 और 8 24 को पूर्णतः विभाजित कर रहे हैं, तो इसमें कौन भाजक होगा और कौन भाज्य होगा? लस सदैव भाज्य होगा, यानी डिविडेंड होगा, और संख्याएं सदैव क्या होंगी? भाजक यानी कि डिवाइजर या डिविजर। इज माई पॉइंट क्लियर? इज माई पॉइंट क्लियर? बोलो सही है, सही है। तो संख्याएं सदैव भाजक रहेंगी और लस सदैव भाज्य रहेगा, सही है ना? कोई डाउट है? अच्छा ये बताओ, जरा सोचो और लॉजिक लगाओ, भाजक कभी भी भाज्य से बड़ा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, सही बोल रहे हैं ना? जब स्पेशली जब पूर्णतः विभाजित हो, तब जब पूर्णतः विभाजित हो तो कभी भी भाजक, सॉरी कभी भी हाँ भाजक भाज्य से बड़ा नहीं हो सकता। सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं? यानी लसा की प्रक्रिया क्या है? पूर्णतः विभाजन है। अरे बोलो ना यार, लसा की प्रक्रिया क्या है? पूर्णतः विभाजन है। तो पूर्णतः विभाजन में किसी भी हालत में, पूर्णतः विभाजन में किसी भी हालत में भाज्य, भाज्य ध्यान समझना, भाज्य भाज्य या तो भाजक से क्या होना चाहिए, या तो बड़ा होना चाहिए या तो छोटा नहीं होना चाहिए। सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं? पूर्णतः विभाजन के प्रक्रिया में तो यहां पे भाज्य कौन है? लस एल 24, सही है, सही है। अब ये छोटो सोच रहा, यहां पे भाजक एक है या एक से अधिक है? एक से अधिक है, सही है ना? यदि हम 6 को लेते हैं और 8 को, तो हम देखते हैं कि यहां पर x y से बड़ा है। अरे बोलो ना सही है, सही है। x y से बड़ा है, सही है ना? ये बात आओ जरा, बहुत अच्छे, कौन बड़ा है? बाकी तुम लोग तो खड़े हो जाओ, मुर्गा बन जाओ। नहीं हम सही बोल रहे हैं, सच्चाई है, तुम लोग मुर्गा बन जाओ, तुम भी पीछे खड़े मत रहो। लोएस्ट भी होता है, लिस्ट भी होता है। लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, सबसे कम, बात वही है। हाँ लिख सकते हैं, बन जाओ। तो यहां पर y x से क्या है? बड़ा है, बड़ा। अरे बोलो सही है, सही है। कोई डाउट है? तो बच्चा एक बात बताओ, यदि मैं चेक करूं, तो जब ये जो l लसा है 6 से बड़ा या 6 से बराबर हो सकता है? यस सर। सोचो, यस सर।
बराबर है, बड़ा हो सकता है। छः के आठ के, क्योंकि आठ छ से बड़ा है। इस कंडीशन को पूरा करना चाहिए ना उसे। तो हम छ को नहीं चेक करेंगे बल्कि किसे लेंगे, आठ को। तो हम कहेंगे लस सबसे बड़ी संख्या, जो संख्याओं का लस है छ और आठ का लस है, तो लस सबसे बड़ी संख्या के या तो बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। बोलो सही है। सही है। कोई डाउट है बच्चा? नो। कोई डाउट है? नो। बात समझ में आ रही है ना? हाँ। तो इस तरीके से आप आईएएस बनोगे, मतलब आपका ध्यान नहीं है छह आठ से बड़ा है। हाँ हाँ सर बड़ा है, सर भैंस उड़ती है। हाँ हाँ सर उड़ती है। तुम लोग गेम नहीं खेले हो क्या, कौआ उड़ चिड़ै उड़ वाला खेले हो? वो देखो हर गेम का लॉजिक होता है। अब ये गेम क्यों होता है कौआ उड़ चिड़ै उड़, कौआ उड़ बोलो उड़, चिड़ै उड़, खरगोश उड़, खरगोश उड़ कर रहा है। ये गेम इसीलिए होता है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल कितना है। ऐसा तो नहीं कि आप इमोशन में बह जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये गेम इसीलिए होता है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल कितना है, आप कंसंट्रेटेड हैं कि नहीं है। आप गधे को भी उड़ा दे रहे हो, खरगोश को उड़ा देते हो। ऐसे आईएएस नहीं बन सकते हो आप, चाहे जिस सिचुएशन में रहो आप, बट आपका कंसंट्रेशन लेवल ऑलवेज शुड बी फिक्स्ड, इट शुड नॉट वैरी। सिचुएशन में वैरी, परिस्थितियां वैरी करती रहती हैं, परिस्थितियां इधर उधर चलती रहती हैं, लेकिन आपका कंसंट्रेशन लेवल नहीं वैरी करना चाहिए। नहीं समझे? तो लसा की परिभाषा समझ में आई बच्चा? yes, लसा क्या होता है समझ में आया? yes, तो ध्यान से देखो जरा इसकी परिभाषा लिख दें क्या हम? yes, अरे बोलो सही है, yes, लिख दें। yes, लसा की परिभाषा क्या होगी? लसा, लसा किसका लसा? दो या अधिक संख्याओं का, दो या अधिक संख्याओं का, दो या अधिक संख्याओं, संख्याओं का लस वह सबसे छोटी संख्या है, वह सबसे छोटी संख्या है, छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो या विभाजित होती है। लॉस यदि भाज्य है तो विभाजित होगा। yes, भाजक रहता तब न विभाजित करता। yes, और जबकि लॉस क्या है? भाज्य, भाज्य है। yes, अरे बोलो सही है। सही है। कोई डाउट है? no, कोई डाउट है? इज माई पॉइंट क्लियर? यस सर। चलो सही है, लिख लो इतना।